भैरव और हाथे की बचपन की मोहब्बत थी। उमर सुनना चाहते हो हम एक दूसरे को कितना चाहते थे, मरते थे एक दूसरे पर, लेकिन मेरी अम्मी को मुझे बाहर भेजना था। वो अपनी जिद पे अड़ी रही और मैं अपनी जिद पर। कहानी यहां खत्म नहीं हुई, तुम जानते हो मैं और हादी घर से भाग गए। निकाह होने ही वाला था, ना जाने जाने हादी को क्या ख्याल आया, वो खड़ा हुआ कहने लगा कि जो होगा मेरे अप्पू की इजाजत से होगा। मुझे घर वापस लाया तो सामने तुम बैठे थे रिश्ता लेकर। मैंने हादी की इज्जत में तुम्हें हाँ कह दी। और सुनना है, और इस सब के बाद भी तुम उसे भूली नहीं। अरे आओ वीरो, तुम्हारी तो कमी थी, आई एम श्योर जैसे ये तुम्हें नहीं भूली तुम भी इसे भूले नहीं होंगे, है ना? चलो दोनों ही बता दो मुझे, क्या रिश्ता क्या है दोनों के बीच? कोई रिश्ता नहीं है, जता वो खत्म हो गया। तो घर क्यों देना चाहता था इसे? ताकि ये बेघर ना रहे। अच्छा तो तुम्हें देखने के लिए आई थी मैं। क्या बात है यार, वाह, तालियां बजाने का दिल करता है तेरे लिए। मतलब यहां से पेट नहीं भरा, मेरी दूसरी बीवी को झांसा देके दिल नहीं भरा, अब यहां पे अपनी नई बॉस फंसाने चला। प्लीज जबान संभाल के बात करो, आहिस्ता बात कर। और अगर तूने तशा का नाम अपनी जबान से लिया तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा मतलब तुम पेट भर के आशिकियां कर सकते हो, हमारे मुंह से एक लफ्ज भी ना निकले। और उठाओ, मैं देखता हूं तुझे। आहिस्ता बोल, वरना यही सबके सामने पीटूंगा। ये सारी आशिकी ना जमीन पे पड़ी होगी तेरी। बकवास अपनी बंद कर। मेरी बकवास बंद करेगा तो? हाँ तुमने सुना नहीं आदि ने क्या कहा? उसके और कोमल के बीच में कोई भी ताल्लुक नहीं है। तोशा तुम जाओ यहां से। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे बगैर। और तुम्हारी तसल्ली हो गई कि हादी का तुम्हारी दोनों बीवियों से कोई भी लेना देना नहीं है। और आइंदा हादी से इस लहजे में बात करने से पहले 100 दफा सोचना। बना तुम जानते हो ना मैं कौन हूं, यहां चलते फिरते नजर नहीं आओगे। चलो हादी,